ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक मिनट, कोई एक बात बताना तो मैं तुझे भूल ही गया। हाँ बताइए। ये जो कमरा मैं तुझे दे रहा हूँ वो ये बड़ा ही लकी कमरा है। अरे ये एक और एंट्री है कि नहीं कमाल है? कमाल है पाजी। ये ना, अब पुत्र एक काम कर, अब तू जा वहाँ, मुंह क्या देख रहा है, जा। ठीक और कुछ नहीं लूंगी, बस मिष्टी के ड्रेस के लिए पैसे दे दो। उस दिन दिए थे तुम्हें? वो खर्च हो गए। अनन्या, मैं चाहे तुम्हें जितना भी समझा लूं, करती तुम अपनी मर्जी की ही हो। पहले इतने सारे गिफ्ट्स ले आई, फिर साइज ठीक नहीं है, और अब आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम से जो कुछ भी करूंगी सोच समझ कर करूंगी, बस अभी के लिए मुझे पैसे दे दो। रणवीर अच्छा नहीं लगता, प्लीज। जो है उसी में चला। राधे कृष्ण। अच्छा किया जो सब आ गए। अब चलो चलो जल्दी चलते हैं, मेरे तो मुंह में कब से पानी आ रहा है गोलगप्पों के बारे में सोच के ही। मिष्टी दीदी को सरप्राइज भी मिलेगी अनन्या दीदी से। हमें नहीं जाना शॉपिंग पे। क्या हो गया तुम दोनों को अचानक से? अब वो मन नहीं है वर्षा। अरे गोलगप्पे भी तो खाने हैं, और ऊपर से वो मिष्टी की ड्रेस भी लेनी थी जो लंबी नहीं हो गई थी। लंबी है तो क्या हुआ, छोटी की जा सकती है ना। ये देख बहुत सुंदर है। हाँ बहुत अच्छी है ड्रेस, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है अनन्या दी। और मिष्टी ऐसी ड्रेस ना तुम्हें यहाँ मिलेगी भी नहीं। पर ये तो बहुत बड़ी है, मैं छोटी कर देती हूँ। आपको आता है? हाँ। मामी आपके पास मशीन है? हाँ मशीन तो है, पर तुम कैसे? अब आश्रम में कौन करता था ये सब, मैं ही तो करती थी। अब दान के कपड़े लोग साइज देख कर थोड़ी ना देते हैं। ले आ वर्षा। हाँ मैं लेके आती हूँ। ये लो आ जाओ। कमाल है बेटा, तेरा हाथ तो बड़ा ही साफ है। हुँ? बहुत सुंदर, आप तो मुझे यही ड्रेस पहनी है। आपको कैसी लगी अनन्या जी? बहुत सुंदर है। सब मेरी गलती है, मुझे आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। वैसे आपको इनका धन्यवाद करना चाहिए, इन्होंने ही बचाया हमें, कुछ नहीं हुआ। वैसे कार्तिक तुम यहाँ कैसे? आप जी क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ? किसी ने डॉक्टर को फोन किया? हाँ हाँ डॉक्टर आके देख के चले भी गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी एसिडिटी हो गई थी उसी वजह से ये सब हुआ, पर अब सब ठीक है। मां कैसी कमाल की बात होती है, जब हमें
एसिडिटी होती है, हमें लगता है कि हार्ट अटैक हो गया, और जब हार्ट अटैक होता है तो उसे एसिडिटी कहकर टाल देते हैं जी। और फिर भगवान बुला लेते। चुप चुप बोलिए ना, क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें आप? एक तो मैं पहले ही बहुत घबरा गई हूँ, बहुत बड़ी गलती हुई जो आपको छोड़कर बाहर गई मैं। एक्चुअली मैं भी दादी के साथ बैठी थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत घबरा गई। नीचे देखा तो कार्तिक ही बाबूजी को संभाल रहा था। वैसे कार्तिक तुम यहाँ कैसे, ऑफिस का कुछ काम था क्या? बेटा आप जानती हैं कार्तिक को? हाँ बाबूजी, ये नैतिक के ऑफिस में काम। ये तो कोहली जी का रिश्तेदार है। हाँ? पर तुम तो इलाज के लिए आए थे ना, कैसा चल रहा है तुम्हारा इलाज? जी मैं कहीं और रहने जा रहा था अभी, सॉरी आप लोगों को तकलीफ दी। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, बल्कि तुमने तो हमारी मदद की। हाँ बेटा कहीं मत जाओ, तुम यहीं पर रहो और धन्यवाद। हाँ देखो बेटा, अगर तुम्हें हमारी वजह से कोई परेशानी हो रही है तो हम इसे दूर करने की कोशिश करेंगे ना। अरे नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, अब इनफैक्ट यहाँ पर तो इतना अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पर। तो बस अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। हाँ सच कहा था तुमने कार्तिक, बहुत ही छोटी दुनिया है ये। उस मेंढक ने, उसने नानू की हेल्प की? हाँ मैं तो उसे वहां देखकर एकदम हैरान रह गई थी कि वो वहां क्या कर रहा है। वही फरिश्ता बन के आया, फिर बाद में ये भी पता चला कि वही रहता है, वो कोहली जी का भतीजा है। तो बताओ इसे कहते हैं संयोग। मैंने उसके सामने कोहली अंकल की कितनी बुराई कर दी थी। अरे ये असली सलमान खान नहीं है। आइतन डुप्लीकेट बोलते हैं ना, वो वाला है। वाह क्या बात है, हमारे घर के लोग हमसे ही झूठ बोल रहे हैं। अरे ऐसे नहीं आ जाता सलमान खान, ये नकली सलमान खान है। कायू ये क्या है, ये कौन है? कार्तिक असली सलमान कहाँ है? कार्तिक I want my puchu. क्या समझते तुम खुद को? हाँ बहुत स्मार्ट हो, सबके इमोशंस के साथ खेल सकते हो। देख रहे हो ना कितना बुरा लग रहा है सबको। I'm sorry. चले थे बड़े सलमान खान को बुलाने, रोज और यश की संगीत में मजा आएगा। आ गया ना मजा? इसमें कार्तिक की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है, मैं कंफर्मेशन मेल भेजना भूल गई। और ये बात जब कार्तिक को पता चली तो उन्होंने मेरी हेल्प करने की कोशिश की, इसलिए आप लोगों को जितना डांटना है, जितना गुस्सा करना है मुझे कीजिए, क्योंकि इनकी गलती नहीं है। नहीं है, गलती मेरी, मैंने सबसे सच छुपाया। आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जब असली सलमान खान का आना पॉसिबल नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि हम डुप्लीकेट सलमान खान को बुला लेते हैं। आई एम सॉरी, आप सबसे माफी मांगता हूं। जब कार्तिक मेरे पास आए तो बहुत परेशान थे, इन्होंने बताया मुझे सारी बात और कहा कि इनकी बहन की विश है, मैं भी मना नहीं कर पाया और आ गया इनके साथ। सोचा एक भाई अपनी बहन के लिए कर रहा है तो इसमें क्या गलत बात है। अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो मैं चला जाता हूं।
मुझे नहीं लगता है कि उन्हें ऐसा कोई काम किया जिसके लिए उन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत पड़े। मानती हूँ गलती हुई है, पर वो तो किसी से भी हो सकती है ना, हमसे भी होती है, पर हम तो ऐसा नहीं करते है ना। मुझे नहीं लगता है कि कार्तिक ने भी कुछ गलत किया, उसने हमारी मदद करने की कोशिश की, अपनी बहन की इच्छा पूरी करने की कोशिश की, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन खुशी दी ना, तो हम उसको धोखा कैसे कह सकते हैं। हाँ मैं मानती हूँ सलमान खान यहाँ होते तो हमारी खुशी में और चार चांद लग जाते, लेकिन उनके ना होते हुए भी हमारी खुशी में कोई कमी हुई है नहीं ना, हम इंजॉय कर रहे हैं ना। स्टार्स फिल्मों से बनते हैं, लेकिन फिल्मों में उनका बहुत सारा काम उनके डुप्लीकेट्स करते हैं, लेकिन उस वक्त हम इस बात पे ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारा सारा ध्यान एंटरटेनमेंट पे होता है, असली नकली पर नहीं। तो फिर हम अभी इस बात का इशू क्यों बना रहे हैं? Yes, Mommy is right. I enjoyed it so much, and I will continue having fun. मैं अपने संगीत का मजा खराब नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ रोज। हम भी साथ हैं। मैं भी साथ। हाँ बेटा। आपके आने से ना हमारी खुशी में चार चांद लग गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, हमारे और भी बहुत सारे गाने होने वाले हैं, आपको रुकना पड़ेगा और वो सब देखना पड़ेगा। अगला गाना कौन सा है गायू? आपका। क्या? इससे तो अच्छा होता तुम घर पर ही रहते, यहाँ क्यों आ गए? पहले तो गाड़ी की डिग्गी में बैठकर इतना बड़ा रिस्क लिया और मुझे बताया तक नहीं, कोई देख लेगा तो। बुरा तो सोचा होता, तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है, और तुम्हें क्या लगता है अगर उन्हें पता चल गया तुम यहाँ हो तो क्या छोड़ेंगे तुम्हें? और उससे पहले मेरे घर वालों का तो पक्का है, अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम पुलिस से भाग रहे हो तो खुद जाके तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। जब मुझे नहीं बख्शा तो तुम्हें क्या बख्शेंगे? ये तो वो ऋषिकेश वाला चंदू है ना, ये यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा अब समझ में आया, ये तुम्हारे कमरे में था ना, इसीलिए तुम किसी को कमरे में आने नहीं दे रही थी, परेशान थी, मैंने पूछा भी तुमने नहीं बताया। क्या हुआ है, क्या बात है जो तुम लोग छुपा रहे हो? बताओ मुझे क्या बात है? आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। फालतू में शक मत कीजिए मुझ पे कि ये लड़का मेरे कमरे में था। फालतू की बातें तुम कर रही हो, मैंने वैसा कुछ भी नहीं सोचा ना पूछा, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है, क्या छुपा रहे हो तुम लोग, क्यों परेशान हो तुम लोग, क्या बात हुई है बोलो। अब मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या? वो चंदू एक टूरिस्ट गाइड के कहने पे यहाँ आया था, उन्होंने इसे काम दिलवाने का वादा किया था ये कह के कि उदयपुर में ज्यादा पैसे मिलते हैं, पर वो इसे यहाँ लाके उससे ड्रग्स की डीलिंग करवाना चाहते थे, तो चंदू ने साफ मना कर दी और वो वापस ऋषिकेश पे जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ गई और ये बेचारा जैसे कैसे करके वहाँ से भागा, लेकिन अब पुलिस उसके पीछे। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने तुमने कुछ बताया ही नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती तो तुम्हें घर में तो बताना चाहिए था ना, हम कोई रास्ता निकालते। पता है क्या रास्ता ढूंढते हैं? मैंने नहीं बताया क्योंकि आप पे भरोसा नहीं है मुझे, जबकि चंदू पे भरोसा है कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन ये बात आप थोड़ी ना समझेंगे, आपको तो सब सही करना होता है, आप तो दे देती उसे पुलिस के हवाले जैसे सालों पहले मुझे देना चाहती थी जब सू मरी थी, इसीलिए नहीं बताया मैंने आपको। और अभी भी बता रही हूँ, अगर आपने पुलिस में फोन किया ना तो मैं
भगवान, ये पुलिस कहाँ से आ गई? पुलिस? रुको। चंदू किस्तो जानते हैं आप लोग? हाँ इंस्पेक्टर, हम जानते हैं चंदू को। क्या हुआ? होल्डर, लेकर आओ उसे। आंटी, मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग मुझे ऐसे ही पकड़ के ले जा रहे हैं। मैंने सच में कुछ नहीं किया। पकड़े जाने के बाद सभी लोग ऐसा ही कहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसने क्या किया है? ट्रक भरकर सामान ले जा रहा था चोरी का, पकड़ा गया तो बोलता है आप लोगों ने मंगाया था। हमें तो पहले से ही तलाश थी इसकी किसी दूसरे चक्कर में। लेकिन चंदू, हम में से किसी ने कहा था तुमसे सामान लाने के लिए? आपने नहीं कहा था आंटी, पैसे भी दिए थे और सामान की लिस्ट भी। हाँ, मैंने कहा था उसको वो सब चीजें लाने के लिए। वो सब चीजें मतलब क्या क्या? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, स्टफ लाइक दैट। और डॉलर्स भी आपने दिए थे? हाँ, मैंने दिए। पर क्यों मार्था? हाँ मार्था, आपने ये सब क्यों मंगवाया? देने के लिए। मतलब दहेज? अरे ये भगवान, किसका दहेज, क्या दहेज? रोज की शादी में आपको देने के लिए। भगवान, क्या कह रही हैं आप? हमने कब आपसे दहेज मांगा? आपको पता भी है दहेज देना और लेना दोनों जुर्म है। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, आप प्लीज चुप रहिए। जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैंने चंदू को पैसे दिए टू गेट ऑल द स्टफ फॉर दहेज, क्योंकि यश की दादी ने कहा जो बहू दहेज लाती है उसको ज्यादा प्यार करते हैं। वो नहीं लाती उसको कम। आई डिडंट वॉन्ट माई डॉटर टू हैव एनी प्रॉब्लम्स, इसलिए। अरेस्ट करो इन लड़के वालों को। अच्छा हुआ गलती से ही सही, पर हम आ गए। हरकतें तो देखो इनकी, देखने में कितने सीधे साधे और भोले लगते हैं, कितनी ओछी हरकतें। झांसी की रानी पुलिस को देखकर भीगी बिल्ली क्यों बन गई? मांजरा क्या है? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। जहां तक मैं अपनी फैमिली को जानती हूँ, उनमें से किसी ने इनसे दहेज नहीं मांगा। हाँ भाई, मैंने कुछ नहीं कहा किसी से। सॉरी मैडम, अब तो ये कोर्ट में ही साबित हो गए कि किसने क्या कहा था। हमें तो ऑर्डर है कि जो भी ऐसा केस हो सबको पकड़ के थाने ले आओ। हवलदार, भरो सबको गाड़ी में। अरे ये क्या कर रही? ये किस जन्म का बदला ले रही है मुझसे माता तुम? अरे मैंने आपकी सब बातें मानी थी ना, फिर इस तरह से इल्जाम लगाने का क्या मतलब है? छोड़ो मेरी दादी को, आप लोग समझते क्या हो खुद को? पुलिस में तो कुछ भी करोगे क्या? अनु अनु चुप मत कर, तुम हटो, हटो पीछे। उठ जाइए इंस्पेक्टर, ये आप ठीक नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए मेरी दादी को। इसे भी अरेस्ट कर लो। वो दूल्हा है इंस्पेक्टर साहब, अब क्या करें? लेके चला सबको। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट बात कीजिए। कमिश्नर साहब। जैन सर। यस सर। छोड़ दो इन सबको। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। उस दिन चंदू के केस में भी हमने अक्षरा बिटिया के कहने पर कमिश्नर साहब से बात की थी, आप पूछ लीजिएगा उनसे।
चलते हैं। एंड मैडम सॉरी फॉर द ट्रबल। नहीं 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 कोई बात नहीं, आप तो अपना काम ही कर रहे थे। चलिए अब बताइए माँ, क्या कहा था आपने मार्था से? क्या कहा था? कुछ भी तो नहीं। माँ अगर आपने कुछ नहीं कहा तो इतनी बड़ी गलत फहमी कैसे हो गई? मुझे क्या पता, मैं सच कह रही हूँ। चाहिए तो अनमोल की कसम, मैंने कुछ नहीं कहा। मोहित अब बात खत्म, माँ कभी भी अनमोल की झूठी कसम नहीं खा सकती। तो आप इन्हीं से क्यों नहीं पूछती कि क्या कहा दादी ने? हाँ बोलिए, मैंने क्या कहा था आपसे, बोलिए बोलिए। मुझसे नहीं, आपने किसी और कहा फोन पे, वही जो मैंने बताया। हे भगवान, हे वो तो मैं अपनी सहेली नीलम से बात कर रही थी, उसकी बेटी की सगाई हो गई है तो वो मुझे दहेज के बारे में पूछ रही थी, तो जो नहीं सुनना चाहिए था ये इन्होंने सुन लिया और जो सुनना चाहिए था वो नहीं सुना। उसके बाद भी मैंने कुछ कहा? मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ तो लेन देन होता ही नहीं है, भगवान की दया से सब कुछ है हमारे यहाँ। I'm so sorry. मुझे confusion हो गया maybe. आपके चक्कर में मेरा सारा परिवार मेरा दुश्मन हो गया। और तुम लोग, तुम्हें सारी दुनिया पे भरोसा है, सिर्फ अपनी माँ पे नहीं। मैं जो कहूँ झूठ, मैं जो कहूँ गलत, दुनिया अच्छी, सिर्फ अपनी माँ बुरी है तुम्हारी। I'm so sorry, रुक्मिणी बहन। मार्था, इतने दिन आप हमारे साथ रही, फिर भी आपको ये नहीं पता चला कि हम लोग कैसे हैं? आपकी गलत फहमी की वजह से मेरा बेटा और मेरी माँ दोनों जेल चले जाते। इतने दिनों में ये रिश्ता बनाया आपने, इस विश्वास के सहारे आप अपनी बेटी हमारे घर पे आ रहे। अगर आपको कोई डाउट था मॉम तो आपने मुझसे कहा होता, मैं क्लियर करता आपकी कंफ्यूजन। इतने टाइम से जानते हैं आप मुझे, अभी भी बेटा नहीं बना मैं शायद आपका। हमने आपकी बेटी रोज को दिल से अपनाया, जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ उस सब के बावजूद भी, पर आपने आपने हमारे यश को अपना नहीं माना। आपको ऐसा लगा? यही सोच के हर्ट हो रहा है मुझे, कोई रिश्ता नहीं है शायद हमारे बीच में। आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, प्लीज माफ कीजिए, मेरी बेटी को पनिश मत कर दीजिए, उनकी गलती नहीं है। शी लव्स यश, उनकी शादी मत ब्रेक कीजिए प्लीज। लुक कर लो बात, इसे लगता है मुझे शौक है शादी तोड़ने का, बार बार पे शादी मत तोड़ो कहती रहती है, यही पहचाना क्या मुझे इतने दिनों में? Oh no mom, you annoyed her even more, अब वो तो जरूर ये शादी कैंसिल कर देंगे। हाँ ऐसी हूँ मैं, इसलिए इतनी सारी तैयारी की थी मैंने। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है नायरा? नायरा तुम मुझे बता सकती हो? एक छोटी बच्ची पर चिल्ला दिया तुमने। हाँ नायरा मैं देख रहा हूं, जब से पुलिस आई है तुम अजीब बिहेव कर रही हो। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है नायरा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, तुमने मिस्टी पे चिल्ला दिया नायरा, यू कैन टेल मी क्यों रो रही हो नायरा प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। दीदी
ये क्या हो रहा है तुम्हें? क्या करने जा रही थी? इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो तुम? नहीं आयरा, नहीं, ये मेंढक और इसके जैसे कहीं हैंडल कर सकती हो तुम? ऐसी ऐसी डर डर की कब तक जियोगी? सच का सामना करना होगा तुम्हें, अपने कल को अपने आज पर हावी होने नहीं दे सकती तुम, समझी? ये रिश्ता क्या